परमात्मा यीशु का मरेमा से जिलाऊ था। सैनिकन द्वारा यीशु का क्रूस में चढ़ा दे के बाद यहूदी अगवन पिलातुस से कहिन वह झूठा, यीशु कह रहे हैं कि वह 3 दिन के बाद मरेमा से जी उठी, कोनों का ये निश्चित करे के लाने कब्र के निगरानी करा का हुई कि उनखर चेला उनखर द्याह का चुरा के न ले जाए। अगर ऊ ऐसा करते हैं तो ऊ कहीं कि वह मरे मा से जी उठो हा। पिलातुस कहिस उस सैनिक का ले जा और जैसा तुम कर सकते हा वैसा कब्र के निगरानी करा। यही से ऊ वह कब्र के प्रवेश द्वार के पत्थर में एक थे मोहर लगा दे रहे। वह यह निश्चित करा के लाने उन सैनिकन का भी बैठा देन कि को भी उनखर द्या का चुरा न सका। यीशु के मरे के बाद के दिन शब्द के दिन रहो है, को भी शब्द के दिन काम नहीं कर सकत रहो है। यही से यीशु का को भी मित्र कब्र में नहीं आओ रहो है। पर शब्द के बाद के दिन सुबह बहुत भोर का कुछ महरिया यीशु के कब्र में जाए के लाने तैयार भई। वो उन खर द्याह में और भी मसालन का लगामा का चाहत रही हूँ। वो महरियन के पहुँचे से पहले कब्र में एक ठे बड़ा भूकंप है। स्वर्ग से एक ठे स्वर्गदूत वो पत्थर का लुढ़का दईस जो उन कब्र के प्रवेश द्वार का ढांके रहो है। अवा में बैठ गा यह स्वर्गदूत उजाले के समान चमकत रहो है। कब्र में जौन सैनिक रहे हैं वह देखिन ऊ इतना डर गे रहे हैं कि मृतकन के समान भुया में गिर गए। जब ऊ मेहरिया कब्र में पहुंची तब वह स्वर्गदूत उन्हीं कहिस मत डेरा, यीशु यहाँ नहीं हा, वह मरे में से जी उठे हैं। जैसा कि वह कह रहे हैं कि ऊ जी उठी, कब्र में खोजा और देखा। ऊ मेहरिया कब्र के भीतर और जहाँ यीशु के ध्यान रखो रहो है उन खोज के और देखिन कि उनखर ध्यान उन नहीं रहो है। तब वह स्वर्गदूत उन मेहरियन से कहिस जाके उनखर चेला का बताबा यीशु मरे मा से जी उठे हैं, अब वह तुम्हारे आगे आगे गलील का जाई। वो मेहरिया अचंभित हुई गई और बहुत खुश भई। ऊ चेला का यह शुभ संदेश सुनामा के लाने दौड़िन। जब ऊ मेहरिया चेला का यह शुभ संदेश बतामा के लाने अपन मार्ग में रही हीं त यीशु उनके में प्रकट होई गए। ऊ उनखर पैर में गिर गईं। तब यीशु कहीं मत डेरा, जाके मोरे चेला से गलील जाए का कहा। ऊ उन मोही देखीं मत्ती 27:62-28:15, मरकुस 16:1-11, लुका 24:1-12, यूहन्ना 20:1-18 से बाइबल की एक कहानी।